और चिकन अपना पानी छोड़ चुका है, इसी फ्राई होना कहते हैं। ठीक है, ये हमने टमाटर ऐड कर दिए, घुमाएंगे चेक करेंगे नीचे नहीं लगाई है। ये जनाब सर्व हो गई है बिरयानी। अस्सलाम वालेकुम, आज हम आपकी मुलाकात करवाने लगे हैं एक अपकमिंग फूड व्लॉगर से, जो मेरे कोलीग भी हैं, बड़े अच्छे दोस्त भी हैं और खाना बड़ा मज़े का बनाते हैं, नदीम शाह साहब। तो नीलम वैली के ट्रिप में शाह जी ने बड़े मज़े मज़े के खाने हमें खिलाए और बड़ा इम्प्रेस किया अपने हाथ के जायके से। तो आज रती गली बेस कैंप पर शाह जी हमें बिरयानी खिलाएंगे भी और बनाना भी सिखाएंगे, और साथ ही शाम का एक खूबसूरत नज़ारा रती गली लेक का, वो मेरी तरफ से एज अ बोनस। शाजी आज क्या बना के खिला रहे हैं? प्याज आपने काट भी लिया? प्याज काटे, क्या बात है, काम स्टार्ट है भाई। चिकन शिकन धो लिया? सब धो लिया। आप इधर आओ, टमाटर काटने बारी बारी। हाँ वो मैं कर लेता हूँ। हाथ धोके ना ये स्लाइस बना के जैसे सेब के होते हैं, टक 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 छोटे कर देंगे। ठीक है, इतने छोटे हो जाएंगे उतना हमें क्या होगा कि जल्दी आ जाएंगे। ये जनाब हमारा सामान रेडी है और बिरयानी बनाने लगे हैं इंशाल्लाह। मैंने जो है ना प्याज फ्राई करके उसको मैंने दम पे लगा दिया, गलना शुरू कर दिया। बेहतरीन कर दिया आपने, और मैं ये जो है ना ये टमाटर काटने पे लगा हूँ। और ये शाह जी इससे बेहतर टीम वर्क कहाँ में मिलेगा आपको? इससे बेहतर टीम वर्क मिलेगा कहीं? ये भाई सफर में जितना अच्छा टीम वर्क हो सकता है ना, लाइफ में नहीं हो सकता। और ये 15 मिनट के बाद ये गोल्डन ब्राउन इस वक्त प्याज हमारे हो चुके हैं, और अब इसके अंदर जो है ना जी जी ये बिल्कुल इसे कहते हैं ना फ्राई की स्मेल है, और बड़ी ज़बरदस्त स्मेल है। ठीक है सर, अब ये कब तक आप इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या सर? ये नेक्स्ट स्टेप इसमें ये है कि अदरक फ़ौरन इसमें लहसुन डालना है, ताकि इसमें चिकन को जो है ना फ्राई कर सकें। अभी मैं आपके सामने करूँगा, देखें आपने छोड़ना नहीं है, कैमरा रखें ज़रा आप, ये देखें ये बिल्कुल गोल्डन रहते हैं, जल्दी से हो रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर अब ये हम ये डालेंगे, ये है लहसुन, ये देखें ये लहसुन डाल। ठीक है सर, ये चलो ठीक है सर। अब जैसे मैंने इसको यहाँ से घुमाना है, साथ ही चिकन डाल देना, देख रहे हैं कितनी तेज़ी से कलर चेंज हो रहा है उसका, ऐसे ही सर बिल्कुल। अब इसके अंदर भी डालना है, ये मैं डालना शुरू कर दिया इसके अंदर। चिकन डाल रहे हैं? जी चिकन डाल रहे हैं, ताकि फ्राई हो जाए, साथ साथ घुमाएंगे ताकि वो जिसे कहते हैं ना कुकर की वॉल पे ना लगे। ठीक है सर, सही है, इसकी ऑयलिंग हो रही है सर, फ्राई खुद ब खुद हो जाएगा इसमें। ये देख माशाल्लाह चिकन भी बहुत हेल्दी था, अल्लाह करे ये इसके अंदर जो है ना वो पहाड़ के अंदर गल जाए। ये भी बड़ा चैलेंज है। हाँ यही तो सर, 10-11 हज़ार फिट पे बैठ के इसको बुलाना। हाँ जी, और ये इतनी हाइट पर जो कुकर के बगैर पकाते हैं तो यकीनन वो भी समझे एक चैलेंज है बहुत बड़ा। ठीक है सर, अब ये ऑयल के अंदर इसको हमने सिर्फ फ्राई करना, एक बार ऑयलिंग कर दूँ मैं इसकी, ताकि ये किसी लोहे के साथ चिपके नहीं। तो अभी इसको आप बंद करके, इसको थोड़ा बंद कर दूँ, जब ये इसकी जो हीट है वो ज़ाया ना हो। बेसिकली यहाँ पे जो है ना असल चीज़ वो आपकी इकोनॉमी, आपने अपनी एनर्जी को सेव करना है, अदरवाइज क्या होगा स्टीम बन के बाहर जाती रहेगी और ये ज़ाया हो जाएगा। देख रहे हैं मैं इसमें कोई मसाले डाला अभी तक। ठीक है सर, ये मेरी मसाला कब डालेंगे सर? मसाला जब ये चिकन थोड़ा सा एक बार मुझे शक्ल दिखाई कि मैं फ्राई हो रहा हूँ, फिर साथ ही डालना। यार 10 मिनट पहले हमने चिकन इसमें डाला था फ्राई होने के लिए, और एनर्जी बचाने के ढकना लगा दिया, वैसे अगर आप ओपन भी कर सकते हैं तो इस वक्त ये हमने इसको ढकना हटा दिया। ये स्टीम जो ये हमने गलाने का काम आई है, और चिकन अपना पानी छोड़ चुका है, इसी फ्राई होना कहते हैं। ठीक है, ये बड़ा अच्छा कह रहे हैं ना, हल्का हल्का कलर चेंज हो रहा है आपको नज़र आ रहा है। अब ये जैसे ज़रा थोड़ा सा गोल्डन कलर की तरफ जाएगा ना, तो मैंने फिर इसमें मसाले डालना शुरू कर देंगे। ठीक है सर, ये फ़ायदा हुआ। अभी देखिए तकरीबन ना पानी इसने छोड़ दिया अपना, ये जो साउंड है ना ये बता रही है कि ये इसने पानी छोड़ दिया। अभी ये स्टेप है नेक्स्ट, फिर हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, मसाले ऐड करेंगे। जी मुंह में पानी आ गया माशाल्लाह। नेक्स्ट स्टेप मैंने बताया था आपको, ऑयल हमारा फ्राई हो चुका है, अब इसमें मसाला ज़्यादा ऐड करने हैं। मसाले में हमारे पास वही हमारा स्पेशल मसाला है जो आप घर से बना के लाए हैं। घर से बना के बोल रहा हूँ, पकड़ा दें। यस, ये जो हम घर से बना के लाए थे, अब इसमें हम ये मसाला ऐड कर रहे हैं। इसमें
अचारी टेस्ट है, शुरू अचारी है। शाह जी मसाले बनाने के भी माहिर है। हाँ मसाले की भी हमारी पूरी वीडियो है, वो इन चलाने के भी माहिर। मसाला लगा भी लेते हैं, बना भी लेते हैं। ये फिर मसाला हमने डाल लिया इसमें जो हम बना के लाए थे, अभी थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फिर यहाँ पे टमाटर ऐड करेंगे। ठीक है सर, यहाँ पे ला के टमाटर ऐड करेंगे। नमान टमाटर दीजिए सर, ये टमाटर इसमें डाल दें। ये हमने टमाटर ऐड कर दिए और जैसे ही रोफ ये इसमें टमाटर जो है ना पानी अपना रिलीज़ करेंगे ना, उसके बाद फिर थोड़ा सा वेट देंगे यहाँ पे, क्योंकि हम हाइट पे हैं और वेट के बगैर मीन्स के ये पकेगा नहीं चिकन, इसलिए हम थोड़ी देर के लिए इसको ज़रा उसको बंद कर रहा हूँ मैं सिर्फ, ताकि टमाटर के ऊपर पानी रिलीज़ कर दूँ। प्रेशर देंगे इसे, टमाटर डाल दिए थे इस नीयत से कि ज़रा टमाटर अपना पानी रिलीज़ कर लें, और ये गालबन टमाटरों ने अपना पानी जो है वो रिलीज़ कर दिए और वो उस मसाले में सब चिकन पक रहे हैं और टमाटर जो अपना पानी रिलीज़ कर चुके हैं। अब हमने इसको सारे सिस्टम को गलाना है, चिकन टमाटर एवरीथिंग, और उसके लिए मैं दूंगा इसको वेट। और नुमान के लिए क्योंकि हम इसमें ऐड कर रहे हैं आलू, यानी कि नुमान पसंद करते हैं आलू को चिकन के साथ, इसलिए डाले जा रहे हैं, लोग ना भी डालें तो मसला नहीं है। और इनको मिर्च बिरयानी पसंद है, इसकी वजह से मुझे हरी मिर्च भी डालनी पड़ रही है, वैसे मैं ऐड नहीं करता इसमें। ये थोड़ी सी मिर्चें नुमान के, एक और डाल दो, ज़्यादा नहीं हो जाएगी, कुछ भी ज़्यादा नहीं होता बिरयानी में, बिरयानी में सब चीज़ें चावल बैलेंस कर देगा इंशाल्लाह, आप घबराना बिल्कुल नहीं। ले सर बस मैं इसको वेट दूंगा, बस इंतज़ार है कि तैयार करो। हाँ वेट आया था 12 मिनट का और इसका जो दम था वो ख़त्म हो चुका है। अब हम इसका इसको खोलेंगे, चेक करेंगे। ये सर गल गया, मुझे नज़र आ गया गल गया, अपनी अफवाह से ज़्यादा गल गया, इसको सिर्फ घुमाएंगे चेक करेंगे, नीचे नहीं लगाइए। ये देखिए बिल्कुल बेहतरीन, ये जो है ना गल गया, और सिर्फ थोड़ा सा पानी खुश करेंगे इसमें, और हमारे राइस जो है वो दूसरी साइड पर बॉयल हो चुके हैं, हो चुके हैं। अब इसको क्या कर रहे हैं सर? थोड़ा सा खुश करें, थोड़ा सा पानी खुश करना है, थोड़ा दही ऐड करेंगे ताकि ग्रेवी के लिए ना। जैसे इसमें खुश्क होना है थोड़ा सा, ठीक ज़रा रह जाएगा थोड़ा सा, बस उतार लेंगे। और ये हमने राइस बॉईल कर ली है, लेयरिंग करनी है। ये हमारा चिकन तैयार है, चिकन और सब ये चाहिए, चावल थोड़े माल ज़्यादा है, आप डाल लें कोई मसला नहीं। चलो ये चावल डालो इसमें, थोड़ा नहीं डाल, अगली लेयर में डालेंगे ना। चलो रंग देने, हल्का सा रंग देने, एक साइड दे बस, बस 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 ये थोड़ा चूल्हे पे रख देगा इतने, बस दम दे दे हल्का सा, अभी इसको दम दे, हाँ हल्का सा दम दे, ये जरा यकजान हो जाएगा ना सारा माल। दम ये दम लगने लगा अब इसको, वैसे दम आपने टाइम खुद ही दे लेना है, क्योंकि कितनी देर के लिए दम है इसको, कम से कम 15 मिनट। चले जी 15 मिनट वेट करते हैं, कर लेते हैं। ये जी लाउ सर्व हो गई है बिरयानी। मेरी प्लेट में कितना डालना मैं बताऊंगा, आप बोलते जाएंगे बस 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 बस।